हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश की विस्टर्स बुक का चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स की समरी देखेंगे। द स्टोरी इज रिटन बाय बामा हु इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, और वो एक दलित हैं जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। शी इज अ लिटिल चेयरफुल गर्ल हु लव्स टू ऑब्जर्व थिंग्स टेकिंग प्लेस इन हर स्ट्रीट। She says, though it takes only 10 minutes to reach home from her school, but she takes about 30 minutes to reach home. She then explains the reason. She says, when she is on her way to home, she sees a monkey performing and a snake charmer doing some act with his snake, which was very interesting for her. तो स्कूल से घर का सफर जो वैसे तो 10 मिनट का है, उसमें उन्हें 30 मिनट्स लग जाते हैं क्योंकि रास्ते में वो रुक रुक कर आती हैं और ये सब चीजें देखती हैं। Then there was a cyclist also who was cycling from past 3 days. There was one famous temple which had a big bell and a tribal man who sells clay beads, needles, etc. She also comes across various snack stalls and street acts. Then she explains about how various political parties come to her street to give lectures. जैसे जैसे वो आगे चलती जाती है, वो देखती है कि एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है और वो वर्कर्स को अपने खेत में काम करता हुआ देखता है। फिर वो देखती है कि उसकी कम्युनिटी का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि हाथ में एक स्नैक्स का पार्सल पकड़कर बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा रहता है और वो पार्सल वो अपने लैंडलॉर्ड को ऑफर कर रहा होता है। उसे ये बहुत ही फनी लगता है और वो देखकर हंसने लग जाती है। जब वो घर जाती है तो वो ये चीज़ अपने भाई को बताती है। उसका भाई कहता है कि ये सच्चाई है, वो लोग नीचे जाति के हैं और अपर जाति के लोग उनके प्रेजेंस को पसंद नहीं करते और निचली जाति के लोगों को किसी भी चीज़ को छूना अलाउड नहीं है क्योंकि उनके छूने से वो चीज़ इम्प्योर हो जाती है। ये चीज़ बामा को बहुत डिस्गस्टिंग लगती है, वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं ऊंची जाति के लोगों से। कुछ दिनों के बाद उनके बड़े भाई उनसे पूछते हैं कुछ दिनों के बाद कोई उनसे उनके बड़े भाई से पूछता है कि उनकी कास्ट कौन सी है। फिर वो अपनी बहन बामा को कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए तुम इस सोसाइटी में इज्जत पा सकती हो। फिर वो बहुत मेहनत करती हैं, अपनी क्लास में टॉप करती हैं, इससे उनके दोस्त उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। तो ये है एक्सपीरियंस बामा का जो कि उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर में शेयर किया है। इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एमसीक्यूज और लेसन नोट्स, इन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।